अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रेवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट के साथ हाज़िर हुआ हूँ दोबारा। वो अपडेट है विज़िट वीज़ा के हवाले से, और विज़िट वीज़ा वाले जो दोस्त एयर अरेबिया पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं और एयर अरेबिया से वो उनके पास एयर अरेबिया का टिकट है और वो शारजा ट्रैवल करेंगे, तो उनके लिए एक छोटी सी अपडेट है। अपडेट बताने से पहले हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो अपडेट ये है कि एयर अरेबिया की अब एक नया सर्कुलर आया है, नया नोटिफिकेशन आया है। उन्होंने कहा है कि जी, जैसे लोग ICA का अप्रूवल लेते हैं अबूजबी जाने से पहले या दीगर स्टेट्स में जाने से पहले, जैसे ICA का अप्रूवल होता है, इसी तरह से ICA स्मार्ट सर्विसेज की वेबसाइट पर जाके आपको विज़िटर्स की प्री रजिस्ट्रेशन अप्रूवल करवानी पड़ेगी। यानी कि पहले वो आपको अप्रूवल वहाँ पे आपको एज ए विज़िटर्स भी करवानी पड़ेगी, जैसे लोग रेजिडेंट वीज़ा की अप्रूवल लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको वहाँ पे जाके विज़िटर वीज़ा की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। सिंपल आपने अपनी पासपोर्ट कॉपी, अपनी वीज़े की कॉपी और अपनी अदर्स डिटेल्स आपने उसके ऊपर अपलोड करनी है, और आपको एक रजिस्ट्रेशन हो के आपका एक कोड आ जाएगा जो कि आपके पास आपके मोबाइल में होना चाहिए। बेहतर तो ये है कि आप ICA स्मार्ट सर्विसेज की ऐप को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, और मोबाइल से ही आप एयर अरेबिया को जब आप बोर्डिंग करवाएंगे तो उस वक्त उनको आप वो दिखा सकते हैं, अपना QR कोड भी और रजिस्ट्रेशन भी। तो ये जो अभी आज की एक नई अपडेट आई है, सिर्फ एयर अरेबिया के हवाले से आई है कि जिन दोस्तों के पास टूरिस्ट वीज़ा है और वो एयर अरेबिया से शारजा एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं, उनको पहले ICA की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी एज ए विज़िटर, तो फिर वो ट्रैवल कर सकेंगे। ये भी एयर अरेबिया का नया सर्कुलर आया, तो सोचा आप दोस्तों को बताता चलूँ। इसके अलावा कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि जी, पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट तो नहीं हो रहे? सिंगल एंट्री वीज़े, जो सिंगल मेल वाले वीज़े हैं, वो रिजेक्ट तो नहीं हो रहे? तो आपसे कहा थोड़ी देर वेट करें, 3-4 दिन वेट करें, थोड़ा प्रेशर कम होता है, एकदम इमिग्रेशन के ऊपर रश पड़ा हुआ है, तो आप लोग 2-4 दिन वेट करके फिर वीज़ा जो है अपना विज़िटर वीज़ा अप्लाई करें, तो आपको इसका रिस्पांस काफ़ी बेहतर मिलेगा। फैमिली वीज़े निकल रहे हैं, बड़ी स्पीड से निकल रहे हैं, सिंगल मेल वाले वीज़े जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसका बेहतर रिस्पांस मिलेगा। मुझे दें इजाज़त, अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।